तो दोस्तों हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर पहली बार अब आ चुकी है बहुत ही जबरदस्त और मजेदार अरबिक खाने मंदी और कुनाफा बिल्कुल ओरिजिनल अरबी जायकों के साथ। ये आपको मिलेंगे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर न्यू मानो रेस्टोरेंट में। ओनर का कहना है कि ऐसी जबरदस्त मंदी आपको पूरे कराची में नहीं मिलेगी, जिसकी चिकन को ही तैयार होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से चिकन की हर बाइट में आपको मिलेंगे बहुत ही मजेदार जायके। और फिर जब आप इसको स्पेशल मंदी राइस के साथ खाएंगे तो फिर आपका मजा दुबारा हो जाएगा। और यही नहीं बल्कि यहाँ का कुनाफा भी बेस्ट कुनाफा है और साथ ही साथ इन सब की कीमत भी बहुत ही मुनासिब है। तो फिर मानो रेस्टोरेंट की लोकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर और इनकी प्राइस जानिए आगे वीडियो में, क्योंकि इतने जबरदस्त मंदी और कुनाफा को खाना तो बनता है। तो दोस्तों बिगेस्ट न्यूज आपके लिए आ चुकी है। आप हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर आपको मिल रही है ओरिजिनल और ऑथेंटिक मंदी और साथ में कुनाफा मतलब अरबिक फूड अब आपको मिलने वाली है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि मिलने वाली है आपको मानो रेशन पे। मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूं, ये जो आप सामने फूड स्ट्रीट देख रहे हैं ये हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर है, जहाँ पे आप लाल मस्जिद से आते हैं और मेमन हॉस्पिटल जाते हैं। तो रास्ते में आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसका नाम है मानो रेस्टोरेंट और यहीं पर आपको मिल रहा है अरबिक मंदी और कुनाफा। तो चले रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अली भाई, हमने गुड न्यूज सुनी है कि हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे अब आपको मिलने वाली है मंदी, उसके बारे में कुछ बताएं। सर आप बिल्कुल सही सुनकर आए हैं, हुसैनाबाद में हमने फर्स्ट टाइम जो ना मानो रेस्टोरेंट के अंदर अरब की ओरिजिनल मंदी लॉन्च की है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। इंग्रेडिएंट्स वगैरह और जो भी अच्छे मियार क्वालिटी के राइस हम यूज़ कर रहे हैं, अरब की ओरिजिनल मंदी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्रोसेस करते हैं हम चिकन का तकरीबन 5 से 6 घंटे मैरिनेट का। अच्छा मतलब इतनी देर तक ये मैरिनेट करते हैं आप? जी जी बिल्कुल, यानी तक के अंदर तक ये टेंडर हो जाए बिल्कुल, इसका जायका ठीक है, मतलब जो स्पाइसेस वगैरह अच्छी तरह से चिकन के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल सर, फुल अच्छे फाइन नफासत से हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2.5 से 3 घंटे इसको पैक करके अपने इसकी मैरिनेशन को तैयार करके तो फाइनल, मतलब काफी टाइम लग जाता है इनकी चिकन तैयार होने में। चिकन को तैयार करने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं हमें इसके। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो आपके राइस हैं मंदी राइस, उनकी क्या क्वालिटी है? उसकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल अरब के यमनी राइस है। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के अंदर मानो रेस्टोरेंट पे पहली दफा लॉन्च कराए हैं, चाहे जो भी आकर चेक करना है चाहे अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल मंदी राइस उनको मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब दोस्तों अब आपको हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर मिलने वाले हैं मंदी के। अच्छा अली भाई, मंदी तो हमने सुन ली, मंदी के साथ एक बहुत ही खास चीज जुड़ी हुई होती है, जब भी मंदी का नाम आते तो उसका नाम आते हैं वो कुनाफा, वो भी है आपके पास? जी बिल्कुल सर, डेजर्ट के अंदर कुनाफा है अरबिक ऑथेंटिक बिल्कुल ओरिजिनल है सर, एक दफा ट्राई करें आप। मतलब मानो रेस्टोरेंट पे आपको कुनाफा और मंदी दोनों ही मिलेंगे। अच्छा मुझे आप अपनी लोकेशन बता दें ताकि लोग कैसे आएंगे आपके पास? सर जी हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट न्यू मानो रेस्टोरेंट। ठीक है ठीक है। दोस्तों जो इनकी लोकेशन है और साथ में कॉन्टेक्ट नंबर वो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ पर इजीली आ सके और चाहे तो अपने होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं। अच्छा अली भाई एक और बात बताएं, रेस्टोरेंट की टाइमिंग बता दें आप मुझे। सर ये टाइमिंग 7:00 से लेकर 4:00 तक की है मंदी। तो दोस्तों हम मानो रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड आ चुका है, हम इनसे प्राइस पूछते हैं और आपको बताते हैं इसकी प्राइस क्या है। अस्सलाम वालेकुम आशिक, मुझे बताओ कि इसकी प्राइस क्या है जो आपने न्यूली लॉन्च करी है मंदी? ये क्वार्टर दे रहे हैं 700 रुपए की। अच्छा, और हाफ है 1400 रुपए की, फुल है 2600 रुपए की। ठीक है ठीक है। और चिकन फ्लेवर में और या मटन में भी? ये चिकन में रखी हुई है। ठीक है ठीक है। और इसके अलावा अरबिक फूड में और कौन कौन से आइटम लॉन्च करें? डोनर भी है। अच्छा, चिकन डोनर है 450 रुपए का। ठीक है। इसके अलावा कुनाफा स्मॉल जो है वो है 700 रुपए का। ठीक है जी। मीडियम है 900 रुपए का, लार्ज जो है वो है 1200 रुपए का। ठीक है, मतलब आपको दोस्तों यहाँ पर मंदी की भी वैरायटी मिल जाएगी साइज के हिसाब से, कुनाफा भी आपको साइज के हिसाब से मिल जाएगा, और जो इनकी प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा रीजनेबल रखी हुई है हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट को देखते हुए। तो चले ऐसा करते हैं कि इसकी मेकिंग देखते हैं, आपको बताता हूँ यहाँ पर यही मंदी किस तरह से तैयार की जाती है। Thank you.
दोस्तों हमारा मानो रेस्टोरेंट के जबर से ऑथेंटिक अरबिक मंदी आ चुकी है, जो कि दिखने में बहुत ज़बर से लग रही है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जैसा कि आपने इसकी प्रिपरेशन भी देखी और इसके बारे में सुना कि कितने स्पेशल और ज़बर तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो यही वो मानो रेस्टोरेंट की जबर से मंदी है जो कि आ चुकी है। प्रेजेंटेशन के बारे में बोलना चाहूँगा, आउटक्लास A1 है। और एक और खास बात इस मंदी के बारे में बताता हूँ आपको कि आपको 3 डिफरेंट साइजेस में मिलती है, मतलब फुल मंदी भी मिलती है, हाफ भी मिलती है और उसके अलावा क्वार्टर भी मिलती है, मतलब 2% के लिए, 4% के लिए और 6% के लिए यहाँ की स्पेशल मंदी मिलती है मानो रेस्टोरेंट पे। और एक और बात इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको मिलती है मंदी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यखनी भी। तो वाकई में बहुत जबरदस्त है, इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि मुझे यहाँ की मंदी का जायका कैसा लगा। दिखने में राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाह खाने के साथ यार हुसैनाबाद के मानो रेस्टोरेंट की इस मंदी के बारे में बोल चाहूँगा, वाकई में बहुत आउट क्लास है। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है, मैंने इसकी सिर्फ एक अभी पहली बाइट ली है, लेकिन इतने ज़बरदस्त इसके फ्लेवर हैं, सिर्फ राइस का ही इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है। उसमें जितने भी स्पाइसेस ऐड किए गए, जितने भी मसाले ऐड किए गए, वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रहे हैं उनके फ्लेवर। और उसके अलावा चिकन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के बिल्कुल अंदर तक गए हैं। जितने अच्छे तरीके से उसको मैरिनेट किया, जितनी अच्छी सी टाइमिंग होती है उस लिहाज से कितनी ज़बरदस्त है। और एक जो खास बात है इस चिकन की, वो इसके ऊपर स्किन है, मतलब वो ओरिजिनल उठाई की जो मंदी होती है उसके ऊपर होती है, वो मैंने कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट पर नहीं देखी, जो कि इधर मिलती है स्किन वाली चिकन। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा अच्छी, फ्लेवरफुल। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ की मंदी के बाद बारी आती है इनके स्पेशल से कुनाफे की, और उसको टेस्ट करते हैं। आपको बताता हूँ यहाँ के कुनाफे का टेस्ट कैसा है, तो इसको टेस्ट करते हैं। और कुनाफा वैसे भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, जहाँ जहाँ कुनाफा मिलता है मैं उसको ज़रूर ट्राई करता हूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि बेस्ट कुनाफा कराची में कहाँ मिलता है। तो इसको टेस्ट करते हैं बिस्मा खनेर के साथ, क्या कहना है यहाँ के कुनाफे का। वाकई में बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। जब आप इसको खाएँगे तो आपके मुँह में इतने ज़बरदस्त फ्लेवर रहेंगे, इतना यमी, इतना मज़ेदार लगेगा के आगे मुझे जस्ट वाव निकलेगा, वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा मानो रेस्टोरेंट में आपको अरबिक फूड के अलावा दूसरी फूड भी मिलती है, जिसमें तुर्किश और दूसरी चाइनीज़ भी है। तो तुर्किश में हमें खासतौर पे हमने टेस्ट करना चाहा था कि जो इधर का मानो रेस्टोरेंट का तुर्किश पैटा है, उसको देखने में बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, चाहे वो चिकन हो, चाहे इसमें जो बेस सॉस है, और चाहे इनकी डो, वाकई में बहुत ज़बरदस्त और मज़ा किस्म का है। तुर्किश पैटा है, दूसरे पिज्ज़ा से मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन एक हल्का सा तुर्किश फ्लेवर आ रहा है जिसकी वजह से इसके फ्लेवर को उठा देता है, तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको इन सबकी प्राइस भी बता दूँ, जो मंदी है वो उसकी मैंने प्राइस आपको बता दी थी, साथ में जो ये तुर्किश पैट है इसकी प्राइस आपको मिलेगी 650 रुपीज़ में। मतलब इतनी ज़बरदस्त और रिजनेबल कीमत में हुसैनबाग फूड स्ट्रीट आपको मानो रेस्टोरेंट में सारी फूड मिलती है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसको आके जल्द से जल्द आके लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे और मज़ेदार किस्म के और भी व्लॉग लेकर आता रहूँ। तो फिर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।